दोस्तों फाइनली लंबे इंतजार के बाद एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी आ गई। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021 तक। इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी देंगे, एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस बार निगेटिव मार्किंग भी शामिल किया गया है, तो निगेटिव मार्किंग कितना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फिजिकल किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस क्या है, उम्र कब से काउंट किया जा रहा है और फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी देंगे, तो आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा। यह एसएससी जीडी 2021 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया 17 से 23 जुलाई के बीच में, और रोजगार समाचार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसमें जो भी वैकेंसी से रिलेटेड दिया जाता है बिल्कुल सही रहता है, और इसमें एसएससी के अलावा भी बहुत सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पर वैकेंसी के बारे में 17 से 23 जुलाई के बीच में पब्लिश किया गया, तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। फॉर्म जो भराना शुरू होगा 17 जुलाई से, और आज रात तक 10 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी पब्लिश किया जाता है, तो बिल्कुल यह सही है और इसमें पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी, यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स है, असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। फॉर्म भराना जो शुरू होगा 17 जुलाई 2021 से और 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है। लास्ट समय में वेबसाइट अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए आप फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट के बारे में है, तो रिसिप्ट यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट रखा गया 31 अगस्त 2021 और पेमेंट का डेट रखा गया 2 सितंबर 2021। चालान के माध्यम से 4 सितंबर 2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 7 सितंबर 2021 तक लास्ट टाइम यहाँ पर बैंक में जमा करने का डेट दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र कब से काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले पहला नंबर पॉइंट में, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इनिशिएट बाय एमएचए। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर जो भी वैकेंसी दिया गया एसएससी जीडी में सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत वैकेंसी है, और फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। जब आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में दौड़ लॉन्ग जंप ये सब शामिल है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद इसके बाद मेडिकल होगा, अगर आप फर्स्ट बार मेडिकल में छट जाते हैं तो इसके बाद दोबारा भी मेडिकल होता है, और इसमें मेडिकल अच्छे तरीके से होता है जीडी पोस्ट में, फिजिकल से रिलेटेड यह जॉब है, आर्मी से रिलेटेड जॉब है, इस कारण से इसमें अच्छे तरीके से फिजिकल होता है। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट जो बनेगा रिटेन एग्जाम में मार्क्स के अनुसार। ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, इस बार निगेटिव मार्किंग भी शामिल किया गया है, आगे इसके बारे में बताएंगे, और इसी 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट तैयार होगा। अब चलिए यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट का वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो टोटल जो पोस्ट है 25,271 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 2847 फीमेल के लिए रिजर्व है और 22,424 जो है मेल के लिए है। और कौन से यहाँ पर देखिएगा आप, तो सबसे पहले BSF के बारे में दिया हुआ है, तो BSF में टोटल BSF पोस्ट के लिए यहाँ पर मेल का टोटल है 6413, फीमेल का है 1132, मिलाकर 7545 है। इसके बाद है CISF, तो CISF अगर आप चॉइस में फिलअप कीजिएगा तो NIA फर्स्ट नंबर में दीजिएगा, इसके बाद SSF और इसके बाद CISF दे सकते हैं, इसमें आपको बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं मिलेगा, मेट्रो में या फिर रेलवे स्टेशन इन्हीं सब पे ड्यूटी दिया जाता है CISF से रिलेटेड। तो CISF यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 8464 और CRPF का 0 है, इसमें 25,000 वैकेंसी इसलिए आपको दिख रहा है कि पहले CRPF का भी पोस्ट शामिल रहता था और CRPF में भी अच्छा खासा पोस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि वैकेंसी बाद में घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, तो बाद में भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद SSB का है, तो SSB में जो ड्यूटी मिलेगा नेपाल बॉर्डर में, अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश साइड से है, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरफ आपका ड्यूटी ना हो तो SSB भी आप चॉइस में रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसमें आपको नेपाल बॉर्डर पर भी ड्यूटी मिलेगा। इसके बाद ITBP, यह जो है तिब्बत से संबंधित है, चीन तिब्बत बॉर्डर से, तो 1431 सीट है। इसके बाद है AR यानी असम राइफल हो गया, 3785 टोटल सीट है, और NIA का भी 0 है, इसमें वैसे एक पोस्ट भी कम ही रहता है, 100 से कम ही रहता है। इसके बाद है SSF, SSF को आप फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं, और टोटल जो सीट है 240, और इसका जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना कर देंगे आप लोगों को जल्द ही। और अगर आप SSC GD की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, हम आप लोगों को SSC GD की पूरी तैयारी करवाएंगे और जॉब प्रोफाइल का अलग से वीडियो बना कर देंगे, किस जॉब में यहाँ पर कौन सा काम करना पड़ता है और सभी पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर कहाँ कहाँ ड्यूटी मिलेगा, वेतन कैसे क्या है, पूरी जानकारी अलग से एक वीडियो में मिलेगा।
सैलरी के बारे में यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में पे स्केल, तो लेवल तीन के अंतर्गत जॉब है 21,700 से लेकर 69,100। शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा उस समय आपको जो सैलरी मिलेगा 34,000 से 35,000 मिलेगा, और यह पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकता है। जैसे जिसमें आपको बॉर्डर पर ड्यूटी मिलेगा उसमें सैलरी अधिक रहता है, तो शुरू में आपको 34,000 से 35,000 शुरू होगा, और खास करके जिसमें बॉर्डर पर ड्यूटी होता है जैसे चीन तिब्बत से रिलेटेड हो गया तो उसमें आपको और अधिक सैलरी मिलेगा। अलग से एक वीडियो बना कर देंगे सभी पोस्ट से रिलेटेड। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए आगे के बारे में। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में है कि वैकेंसी अभी यह टेंटेटिव है, बाद में इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो CRPF का भी 0 है, तो बाद में इसमें ऐड अगर कर दिया जाएगा तो लगभग 35,000 से 40,000 और वैकेंसी हो जाएगा। अभी 25,000 टोटल वैकेंसी है। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ नेशनलिटी, तो अगर आप इंडियन हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, एज लिमिट को लेकर आपका डाउट होगा। 18 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम 23 साल है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। यानी अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 28 साल तक अगर आपका उम्र है 1 अगस्त 2021 तक, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वालों के लिए 26 साल, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 23 साल हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 अगस्त 2021 तक आपका एज होना चाहिए 23 साल तक। SC ST में 5 साल का छूट मिल जाएगा, इससे रिलेटेड आपको SC ST का सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा अभी ही। और OBC में आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा, यानी OBC कैटेगरी से आते हैं 26 साल तक एज है, फॉर्म भर सकते हैं। SC ST में 28 साल तक, जनरल EWS कैटेगरी में 23 साल तक एज होना चाहिए। तो एज में यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दिया गया है, और वैकेंसी लेट से दिया गया इस कारण से यहाँ पर 1 अगस्त 2021 से काउंट किया गया। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया, एक्स सर्विसमैन में 3 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सिख दंगा से रिलेटेड है 1984 और 2002 दंगा से रिलेटेड है, 5 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 1984 राइट्स यानी दंगा से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है, यहाँ पर OBC कैटेगरी से आते हैं तो 8 साल, और इसके बाद यहाँ पर SC ST से आते हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट है। तो इस तरह से यहाँ पर छूट हो गया। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के बारे में बताया गया। अब चलिए यहाँ पर मेन बात देख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, SC ST OBC और EWS कैटेगरी अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो सर्टिफिकेट ज़रूर आप बना लीजिएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर NCC यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में देख लीजिए 7वें नंबर पॉइंट में। 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं पास पे नहीं, 10th पास पर मैट्रिक लेवल पर ही है। अगर आप 12वीं या ग्रेजुएशन पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम जो होना चाहिए 10वीं पास, 1 अगस्त 2021 तक। अगर आपका 1 अगस्त 2021 तक रिजल्ट आ गया, इस बार 2021 में भी 10th पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2021 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट बाद में दिया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वैसे इस कारण से आपको दिक्कत होगा ही नहीं। अगर आप 2021 में 1 अगस्त 2021 तक 10th पास है और न्यूनतम उम्र 18 साल हो गया तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दो ही यहाँ पर कंडीशन है। अब चलिए यहाँ पर आपको छूट भी मिल सकता है। यहाँ पर मार्क्स रिलेटेड बोनस मिलेगा। NCC का अगर C सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेगा, B सर्टिफिकेट है तो 3 अंक, NCC का A सर्टिफिकेट है तो 2 अंक यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो अप्लीकेशन फ़ी में सिंपल सा आप ये समझिए, SC ST कैटेगरी से आते हैं और फीमेल है तो कोई भी यहाँ पर छूट फी नहीं देना पड़ेगा, यानी छूट है। बाकी अन्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये का यहाँ पर पेमेंट है, और फीमेल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में कोई भी पेमेंट नहीं देना है। SC ST कैटेगरी में भी कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो बैंक जाकर चलान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर सेंटर चूज कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य से रिलेटेड है, जहाँ आप चाहते हैं सेंटर दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का सेंटर चूज कर सकते हैं, नॉर्थ रीजन। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो सेंट्रल रीजन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर का नाम है, 3 सेंटर आपको चूज करना है और उसी अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सिंपल सा आप ये समझिए कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, कंप्यूटर पर एग्जाम देना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। और एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन
मैथ से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जो यहाँ पर है हिंदी इंग्लिश से है। इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश दिल्ली इन सभी क्षेत्रों से है, बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश चूज कीजिएगा 10 से 15 क्वेश्चन बना पाइएगा, लेकिन अगर आप हिंदी यही चूज करते हैं तो 25 में से आप आसानी से 20 प्लस क्वेश्चन बना लीजिएगा। भाषा लैंग्वेज है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश चूज कीजिएगा, हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़े हैं तो हिंदी चूज कीजिएगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा ऑब्लिक का साइन है, इंग्लिश हिंदी में कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो एक अंक का यहाँ पर एक क्वेश्चन एक अंक का है, रीजनिंग हो गया 25 अंक का, जनरल नॉलेज यानी जीके हो गया 25 अंक का, इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन है 25 अंक का। इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। अभी आपको फॉर्म भरते समय चूज नहीं करना है, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय इंस्ट्रक्शन आता है, उसी समय आपको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज करना रहता है। तो अगर आप हिंदी चूज कीजिएगा तो हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो इस तरह से है, और समय दिया जाएगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का आपको समय मिलेगा। समय बिल्कुल पर्याप्त है, इतना समय है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आसानी से आप बना लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, हम आप लोगों को एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, चार ऑप्शन दिया हो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग इस बार शामिल कर दिया गया है, पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार निगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं बनाना, जिसका आपको आंसर सही तरीके से पता है वही क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, एक क्वेश्चन है एक अंक का और निगेटिव मार्किंग 0.25 है यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग। एसएससी के सभी एग्जाम में 1/4 ही निगेटिव मार्किंग रहता है, यानी अगर आप चार क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, ज़्यादा आपको निगेटिव नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम देने के बाद आंसर की जारी होगा, अगर आंसर की में किसी प्रकार का मिस्टेक है तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और मार्क्स जो है यहाँ पर है नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार किया जाएगा। टेंटेटिव आंसर की जारी किया जाएगा, अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक है इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक किया जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा 10th लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैथ में दिया हुआ है तो मैथ में जो है यहाँ पर एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति ज्यामिति टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, एरिथमेटिक टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी में भी बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में, रीजनिंग का सिलेबस सबसे पहले दिया हुआ है तो सिलेबस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ATC है, जो भी टॉपिक है वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। जो इसमें नहीं भी दिया हुआ है, खास करके अगर उस टॉपिक से रिलेटेड SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको अच्छे से जरूर देख लेना, यानी रीजनिंग आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए। और रीजनिंग में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर से आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो रीजनिंग आप आसानी से बना लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके में यहाँ पर हो गया तो जीके में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड, बाकी यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस से रिलेटेड साइंस में 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स का है, टॉपिक का नाम देखिएगा तो इसमें एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति ज्यामिति नहीं दिया हुआ, सभी टॉपिक यहाँ पर एरिथमेटिक्स रिलेटेड ही है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज इंटरेस्ट, इसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये सब टॉपिक है। यह सभी एरिथमेटिक अंकगणित से रिलेटेड ही है। और हिंदी का यहाँ पर सिलेबस नहीं है, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण से रिलेटेड और शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड, शुद्ध अशुद्ध में यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याकरण की बात करें तो संधि हो गया, समास हो गया, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंग्लिश में भी उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, या फिजिकल से रिलेटेड है तो फिजिकल में यहाँ पर दौड़, इसके बाद लॉन्ग जंप के बारे में यहाँ पर बताया गया है सब कुछ, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दौड़ रेस के बारे में है, तो रेस यहाँ पर दौड़ जो है यहाँ पर है 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग लद्दाख रीजन, अगर आप लद्दाख रीजन को छोड़ करके यानी पूरे भारत में कहीं से भी उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश दिल्ली इन सभी राज्यों से है तो यहाँ पर आपको जो दौड़ कम्प्लीट करना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। यह मेल के लिए है, फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर लद्दाख रीजन से रिलेटेड है, लद्दाख रीजन से रिलेटेड कम है, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर
इन 4 मिनट। तो इस तरह से दौड़ हो गया, इसमें गोला फेंक लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ दौड़ ही है। इसके बाद यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट के बारे में है, प्रेग्नेंट से रिलेटेड है, अगर 12 वीक से अधिक का प्रेग्नेंट है यहाँ पर तो टेम्प्रोरी अनफिट यहाँ पर कर दिया जाएगा, इससे रिलेटेड है। इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट यहाँ पर जो मापा जाएगा मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, जिस अकॉर्डिंग पहले था उसी अकॉर्डिंग है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर छूट जो मिलेगा, छूट यहाँ पर दिया हुआ है एसटी कैटेगरी, तो एससी में कोई छूट नहीं है, एससी कैटेगरी से अगर आप आते हैं 170 सेंटीमीटर ही चाहिए, लेकिन एसटी से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, बाकी और अलग अलग राज्यों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर आप आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी से रिलेटेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से है यानी नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट से है तो 160 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ जिलों का नाम है, कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड यहाँ पर जिला का नाम आप देख सकते हैं, 165 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 155 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों से अगर आप आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 152.5 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर छूट अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और चेस्ट जो है यह सिर्फ पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना। चेस्ट में अगर 1-2 सेंटीमीटर कम रहता है तो नहीं छाँटता है, लेकिन फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पर फूलना चाहिए। तो अगर आपका सीना 1-2 सेंटीमीटर इससे कम है तो नहीं छाँटा जाएगा, लेकिन फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर जरूर, जैसे मान लीजिए 79 है तो फुलाने के बाद 84 जरूर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर जरूर फूलना चाहिए। ये हो गया और दौड़ के बारे में आप समझ ही लिए। इसके बाद आगे का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाइट से रिलेटेड ही है और यहाँ पर वेट से रिलेटेड है, तो वेट यहाँ पर बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद यहाँ पर है हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग, आपका हाइट कितना, एज कितना, उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वेट होना चाहिए। अगर वेट कम भी है या फिर बहुत अधिक भी है तो उस कारण से भी यहाँ पर छाँटा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है, तो इसमें अच्छे तरीके से मेडिकल होता है, सबसे पहले रिटेन एग्जाम पास करना है, ऑनलाइन एग्जाम जो लिया जाएगा 100 क्वेश्चन का। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल पास करने के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल में अगर आप एक बार में फेल हो जाते हैं दूसरी बार भी रीमेडिकल भी करवाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर और आगे का देख लीजिए आप, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म के बारे में अब यहाँ से आ गया, किस तरह से यहाँ पर मेडिकल होगा ये सब प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और सीआरपीएफ की वेबसाइट से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय एडमिशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड से रिलेटेड यह नोटिस है यहाँ पर, उस समय आपके पास जो होना चाहिए एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है और एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ जो आप फॉर्म भरते समय दिए सही सही होना चाहिए, अगर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है उस कंडीशन में आप दूसरा चीज़ ले जा सकते हैं, जैसे आप 10th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, और आधार कार्ड यहाँ पर आपको लेकर जाना है। और अगर आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं फोटो कॉपी, तो पूरा पेज प्रिंट आउट होना चाहिए या फिर ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आपको जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और डेट ऑफ बर्थ सही सही होना चाहिए, अगर डेट ऑफ बर्थ सही सही नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 10th का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है जिस पर डेट ऑफ बर्थ दिया हो। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम देना है, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, इसके बाद पीएसटी यानी फिजिकल टेस्ट हो गया और इसमें हाइट मापा जाएगा, दौड़ होगा, ये सब पास करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल अगर आप एक बार में फेल हो जाते हैं तो दूसरा यहाँ पर रीमेडिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में दिया हुआ, तो ये न्यूनतम मार्क्स है, EWS, ESM और UR कैटेगरी साथ है 35%, SC ST OBC साथ है 33%, यानी आपको 100 से कम 33 क्वेश्चन सही करना ही है, जनरल कैटेगरी या EWS से आते हैं 35 क्वेश्चन, लेकिन इतना पर मेरिट नहीं बनेगा। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टेट से हैं, उत्तर भारत से रिलेटेड है, तो कम से कम आपको 60 क्वेश्चन लगभग सही करना पड़ेगा, तभी आपका मेरिट बन पाएगा। वैसे पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 आ गया है, तो लगभग 7-10 क्वेश्चन तक पिछली बार से कम ही कट ऑफ जाएगा निगेटिव मार्किंग के कारण से। बाकी यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा, बी सर्टिफिकेट में 3 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट में 2 मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा। और डीवी में यहाँ पर देखिएगा, फिजिकल के लिए जो है जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे, वैकेंसी जैसे 25,000 है, तो 25,000 का 12 गुना यहाँ पर 3 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
3 लाख हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद मेडिकल के लिए जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो भी 3 लाख में से पास करेंगे फिजिकल तो इसमें से 3 गुना, जैसे 25,000 यहाँ पर सीट है तो 25,000 का 3 गुना 75,000 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और 12 गुना के बारे में यहाँ पर 12 टाइम्स दिया हुआ है फिजिकल टेस्ट के लिए, और 3 गुना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर आप जिस अकॉर्डिंग प्रियोरिटी दीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। तो फॉर्म भरते इसमें आपको जरूर यहाँ पर पोस्ट के बारे में है, BSF के लिए कोड है, CSF के लिए B है, SSB के लिए D है, ITBP के लिए E है, असम राइफल के लिए F है, SSF के लिए H है। इस तरह से आपको कोड अच्छे तरीके से जरूर फिलअप कर देना है। जॉब प्रोफाइल का एक अलग से वीडियो बना कर देंगे, उसमें आप लोगों को और क्लियर कर देंगे आपके अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट रहेगा, आप जिस भी पोस्ट से इंटरेस्टेड है उस अकॉर्डिंग आप फिलअप कर दीजिएगा। जॉब प्रोफाइल का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद बाकी यहाँ पर देख लीजिए, अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान हो जाता है तो उस कंडीशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पार्ट ए में जो मार्क्स देखा जाएगा, पार्ट बी का मार्क देखा जाएगा। अगर इसके बाद दोनों का मार्क्स समान है तो उस कंडीशन डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसका अधिक उम्र रहता है उसको ले लिया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो उस कंडीशन में नाम का अल्फाबेट देखा जाता है, ए लेटर पर जिसका नाम रहेगा उसको पहले ले लिया जाएगा। इस तरह से शुरू वाले का लिया जाता है। और यहाँ पर चीटिंग से रिलेटेड, अगर आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का चीटिंग करते हैं तो कितने साल के लिए आपको डिवार्ड यानी बैन किया जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसने साल को लिए आपको डिवाइड किया जा सकता है, बाकी कोर्ट केस से रिलेटेड है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो भी यहाँ पर मूल बातें थी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितना काउंट किया जा रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में प्रोसेस बताया गया है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते इसमें आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वीडियो को देख करके आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, SSC GD की आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे।